चार कैदी हैं, चारों ने टोपी लगाई है, जिनमें दो टोपी लाल और दो पीली है। कैदियों को केवल रंग पता है, किसने कौन सी टोपी लगाई है यह नहीं पता। कोई भी अपनी टोपी को नहीं देख सकता। उनमें से तीन कैदी एक सीधी रेखा में एक दीवार की ओर खड़े हैं, जबकि चौथा कैदी दीवार के दूसरी ओर खड़ा है। सबसे पीछे वाला कैदी केवल अगले दो कैदियों को देख सकता है, उससे अगला कैदी केवल अगले कैदी को देख सकता है, सबसे आगे वाला कैदी केवल दीवार को देख सकता है, चौथा कैदी वो भी केवल दीवार को ही देख सकता है। उन्हें निर्देश है कि कोई भी एक अपनी टोपी का रंग बता देगा तो चारों को छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो फांसी हो जाएगी। शर्त है वे प्रश्न को पास कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकता और ना ही वहां कोई शीशा है। बताइए वो कैसे बचेंगे। आइए प्रश्न को हल करते हैं। जो दो कैदी दीवार की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, वो किसी भी हालत में अपनी टोपी का रंग नहीं बता पाएंगे, वो केवल प्रश्न को पास करेंगे। आइए सबसे पीछे वाले पर आते हैं। सबसे पीछे वाले के पास दो केस होंगे, या तो दो अगले कैदियों की टोपी का रंग समान होगा तो इस केस में वो अपना आंसर कर पाएगा, क्योंकि अगर अगले दो कैदियों की टोपी का रंग पीला है तो इसकी टोपी का रंग लाल होगा, अगर अगले दो कैदियों की टोपी का रंग लाल है तो इसकी टोपी का रंग पीला होगा। लेकिन अगर अगले दो कैदियों की टोपी का रंग अलग है, डिफरेंट है, तो इस हालत में वो उसको नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसे नहीं पता चलेगा कि मेरी टोपी का रंग कौन सा है, तो वो अपने प्रश्न को पास करेगा। ये प्रश्न बीच वाले कैदी पर जाएगा। अब जैसे ही ये उसके पास जाएगा तो वो समझ जाएगा कि पिछले कैदी ने इसको पास किया है, इसका मतलब हमारी दोनों टोपियों का रंग डिफरेंट है, अलग है। अगर ये समान होता तो पिछला कैदी इसका आंसर कर देता। तो वो समझ जाएगा कि अगर अगले वाले का रंग लाल है तो मेरी टोपी का रंग पीला है, अगर अगले वाले की टोपी का रंग पीला है तो मेरी टोपी का रंग लाल है, और वो इस आंसर को कर देगा। इस तरह विचारों कैदी बच जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।